नेचुरल है, आप देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। फिर इसे पानी में मिला के अच्छे से। पिछले 1 साल से मेरे बर्ड्स का बिल्कुल ब्रीडिंग नहीं हो रहा था, लेकिन अभी मैंने ये 2 फूड दिया है ना, अभी बहुत सही ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। मैंने लास्ट वीडियो में ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाया था आपको, ये वीडियो में फूड दिखाने वाला हूँ। ये फॉलो करना, आपका भी 100% ब्रीडिंग होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का फूड, ये मेरे लव बर्ड के लिए, ये बज्जी के लिए एंड ये कुकाटाइल के लिए। आप देख सकते हो, बज्जी के लिए मैंने थोड़ा सा इसको मसल दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा काट नहीं सकते काला चना को, इसलिए मैंने थोड़ा ग्लास से उसको थोड़ा मसल दिया, तो इजीली खा सकते हैं। तो इतने ही क्वांटिटी में देता हूँ मैं, ज़्यादा दिया तो वेस्ट भी होता है एंड फ्रेश भी देना अच्छा है। ज़्यादा देर वहाँ पर रखा तो ख़राब हो जाता है, तो फ्रेश दो, थोड़ा दो, जल्दी से ख़त्म करे वैसा दो, सुबह का पहला मील दो। देन इसके साथ मैं अभी ऐड करूँगा ये मोरिंगा पाउडर। ये कोई केमिकल या कुछ नहीं है, ऐसा कोई ब्रीडिंग फॉर्मूला नहीं है, एकदम नेचुरल है, आप देख सकते हो। ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा, आप मोरिंगा लीव्स भी दे सकते हो। मैं मोरिंगा लीव्स भी देता हूँ फ्रेश, बड़ाई मेरे पास लीव्स नहीं है, तो मैं ये पाउडर देने वाला हूँ। 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, बट आपको कैसे देना है वो भी मैं बताता हूँ। रोज नहीं देना है, दो दो दिन छोड़ के देना है। लाइक आज मंडे है, तो आपको अभी ट्यूसडे वेनेसडे नहीं देना है, थर्सडे को देना है। थर्सडे को दिया तो फ्राइडे सैटरडे नहीं देना है, संडे को देना है, वैसे देना है आपको। बाकी काला चना भी एकदम फ्रेश है, ये भी सब कुछ एकदम फ्रेश दो, कुछ भी ऐसा जूना ये मत दो, कि उनको भी डाइजेशन में इजी होता है। बेसिकली आपके पास इतना सा ही छिड़कना है ऐसे ऊपर से, अच्छे से मिक्स कर लेना है। नेचुरल है तो इससे कुछ ऐसा होगा तो नहीं, बट कोई भी चीज़ ज़्यादा देना अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा ही दो। कम देना हमेशा अच्छा होता है गाइस, ज़्यादा देने से। एंड बाकी उनके लिए सीड्स तो है ही, मैंने सीड्स तो प्रोवाइड किए ही है। बाकी ये मोरिंगा के जो पत्ते हैं वो भी अच्छे से खाते हैं वो, एंड इसका टेस्ट भी इतना बुरा भी नहीं होता है। हम ह्यूमंस के लिए भी ये मोरिंगा बहुत अच्छा होता है गाइस, आप ये मोरिंगा पाउडर सुबह गर्म पानी में डाल के पीते हो तो आपके हेल्थ के लिए बहुत सही है ये, या फिर खाने में भी आप डाल सकते हो। एंड ये 100% नेचुरल है, इस पर कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, ये 100% नेचुरल मोरिंगा, ऑर्गेनिक मोरिंगा से बनाया है। आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ अमेजोन का, आप भेज सकते हो। कोई भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं, मुझे कुछ पैसे वैसे मिल लेने वाले, मैं बस चाहता हूँ कि आपके पैक्स भी अच्छे रहे। बाकी आप सोच रहे होगे मैंने इतना कम क्यों दिया है बज्जी को, बज्जी ज़्यादा नहीं खाती है, वो लोग बहुत कम खाते हैं, सिर्फ रखता हूँ तो थोड़ा 5-10 मिनट खाते हैं, उसके बाद वो नहीं खाते, तो मैं इसलिए उनको फ्रेश दिया हूँ सब कुछ। बाकी सीड्स तो पिंजरे में रखता ही हूँ मैं गाइस, बाकी कुछ भी ऐसा धनिया या पालक ऐसे कुछ मिला तो। ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी हमारे पास है एप्पल सीडर विनेगर, ये आपको कोई भी शॉप में मिल जाएगा, यहाँ पे 450 लिखा है, पर अमेजोन में आपको 250 में मिल जाएगा, ऑफर चलता रहता है। ये बहुत ही अच्छा होता है एप्पल सीडर विनेगर, नॉट ओनली फॉर बर्ड्स बट ह्यूमंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। जैसे मैंने मोरिंगा पाउडर के लिए बताया था, वैसे ही ये बहुत ह्यूमंस के लिए भी होता है। बेसिकली अगर आपके बर्ड्स पे फैट ज़्यादा आ गए हो, चर्बी ज़्यादा आ गए हो, तो ये देंगे तो रिड्यूस होता है, प्लस एक बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव भी है, डाइजेशन के लिए बहुत हेल्प करता है बर्ड्स में। तो आई मैं आपको बताऊंगा कि इसे मिलाना कैसा है पानी में। ओके गाइस, तो मैंने ले लिया है, आप देख सकते हो, इतना सा ही लेना है आपको, एक चम्मच में एक दो बूंद बस, उससे ज़्यादा नहीं। फिर इसे पानी में मिला के अच्छे से मिक्स करना है उसके साथ। एंड ये भी आपको रोज नहीं देना है गाइस, रोज भी देते हैं कोई कोई लोग, बट मैं इसको ऑल्टरनेट डेज देता हूँ, लाइक आज दिया तो फिर परसों दूंगा, वैसे दूंगा एक एक दिन छोड़ के। एंड आपको ज़्यादा भी नहीं देना है, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा हुआ तो हार्मफुल होता है वो। ये वैसे तो इसका कोई मतलब हार्म नहीं है देने में, ये अच्छा ही चीज़ है, बट फिर भी थोड़ा लिमिट पे दोगे तो अच्छा होगा। तो ऐसा आपको सब में मिला देना है एंड फिर आपके बर्ड्स के लिए रख देना है। तो गाइस देख सकते हो, सबको रख दिया है मैंने, डॉग के बाउल में रखा है। ये मेरी बज्जी तो अभी सीट खा रही है, वो लोग ने ऑलरेडी खा लिया चना, थोड़ा सा बाकी वो खा लेंगे बाद में, इनका भी थोड़ा सा बाकी है, उन्होंने भी बहुत खाया है। एंड आप देख सकते हो मैंने डॉग बाउल रखा है उनके केज के अंदर, कि डॉग बाउल थोड़ा बड़ा भी होता है, वो ऊपर बैठ भी सकते हैं, वो हिलता भी नहीं है, तो उसका वेट भी एकदम बैलेंस होता है, इसलिए मैंने डॉग बाउल रखा है। आपको भी चाहिए तो आप डॉग बाउल में रख सकते हो, बहुत ही सस्ते में मिल जाता है, एंड देख सकते हो हिलता भी नहीं, एकदम स्टेडी होता है।
तो गाइस ये वीडियो के लिए इतना ही। आपको जस्ट एक अपडेट देना था कि मैं क्या ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करो, 100% ब्रीड करेंगे गाइस, क्योंकि मैं भी आपके ऐसा बिगिनर ही हूँ, मेरे साथ हुआ तो आपके साथ भी होएगा। बाकी और आपको टिप्स चाहिए कि केज कैसा रखना है, नेस्टिंग बॉक्स कैसा रखना है, कौन से एंगल पे रखना है, उसके लिए आप मेरे दूसरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।